हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चाहे नॉन मेमन हो चाहे नॉन मुस्लिम, तमाम ही हजरात को मेमन डे की मुबारकबाद। ये चार साल से मेमन डे का सिलसिला चल रहा है और इसको कामयाब करने वाले आप लोग, ये जिस तरह खुशबू फैलती है इस तरह ये मेमन डे का कंसेप्ट है, ये पूरी दुनिया में फैल गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखिए 500 मेमन जमात हमारी पूरे हिंदुस्तान में ये मेमन डे मना रही है, कुछ न कुछ खैर का काम कर रही है। कहीं ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ है, कहीं गरीबों को खाना अनाज दिया जा रहा है, कहीं हॉस्पिटलों में फ्रूट बांटे जा रहे हैं, कहीं गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, कहीं कुछ सिर्फ खैर का काम और बगैर जाति धर्म मसलक के भेदभाव के बगैर ये पूरा खैर का काम हो रहा है। हमारा मकसद ही ये है, एकता और भाईचारा। मेमन बरादरी जो है एकता और भाईचारे के अंदर मानती है, ये बिजनेसमैन बरादरी है। मैं आज मेमन डे के दिन एक एक का नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ सारे लोग क्रीम क्लास के हैं। ये सारे लोग जो हैं बाइज्जत और एहतराम के लायक हैं। अगर समझ लीजिए कि हमने आज इसको समझ लीजिए, ये स्टेज है और ये ऑडियंस है। ये आज हमने अलग कंसेप्ट लिया है कि कितने लोगों को हम स्टेज पे बिठाते हैं। कोई ऐसा शख्स इसके अंदर नहीं है कि वो स्टेज पे बैठने के लायक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो आगे की लाइन में बैठने के लायक नहीं है। मगर मैं माफी चाहता हूं जिसको जिधर जगह मिली, हमारी एक ख्वाहिश है मेमन डे की, खुशी की ख्वाहिश है। इसमें कोई ये नहीं सोचे कि पीछे से आने वाले हजरात को उनके मर्तबे के मुताबिक अगर उनको लगता है कि जगह नहीं मिली है, तो हम आज मेमन डे के बड़े दिन में हम उनसे माफी चाहते हैं। यहाँ पर जगह की, सीट की, सोफे की और कुर्सी की अहमियत नहीं है, यहाँ पर दिल का सवाल है। अफजल भाई बोल रहे हैं और दिल से जहां जिसको जगह मिल गई, हम मेमन डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पीछे बैठने वाले एकदम आखिरी में जो बैठा है वो भी वही इज्जत और एहतराम के काबिल है जो आगे बैठे हुए हैं। मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको ये बता दूं कि आज मेमन डे कहां कहां मनाया जा रहा है। आज 500 मेमन जमातों के अंदर ये खैर का काम हो रहा है, उसके बाद पूरी दुनिया में। आज मदीना मुनव्वरा में कल जुमेरात को सुफरा लगाया गया और रोजा खुलवाया गया, मक्का मुकर्रमा में रोजा खुलवाया गया, बगदाद शरीफ में, इराक में, मस्जिद अक्सा में, जेरूजलम, ईरान में, जिद्दा, रियाद, बहरीन, बर्मा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दुबई, कुवैत, मस्कत, ओमान, केनिया, मालावी, साउथ अफ्रीका, मोजम्बिक, तंजानिया, जांजीबार, यूएसए, यूके और कैनेडा। बाहर एब्रॉड के अंदर ये मसला है कि वहाँ पर रनिंग डे में आज जुमेरात है और मेमन डे उनके लिए दुश्वारी होती है, तो हमने मशवरे से ये तय किया कि चाहे वो 7 तारीख को कर सकते हैं, चाहे 14 को संडे को कर सकते हैं, या चाहे उसके बाद भी कुछ 2-4-8 दिन, मगर अप्रैल महीने के अंदर जो मुनासिब दिन हो वहाँ पर बाहर वालों के लिए ये हमने छूट दिया है। यहाँ कुछ इलाके में इलेक्शन है, जैसा आंध्रा में, तमिलनाडु में, वहाँ के लोगों ने हमसे रजू किया और हम लोगों ने उनसे कहा कि इलेक्शन आपका हो जाए उसके बाद इतवार को आना, इतवार को मेमन डे मनाएं। मगर मेमन डे की अहमियत उससे ख़त्म नहीं होती है, मेमन डे का लोगो एक ही हर जगह रहेगा और यही लोगों से वहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाएगा। मैं आप ही तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ, ऑल इंडिया मेमन जमात की जानिब से भी इस्तकबाल करता हूँ। दूसरा, आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है, मैं 4 साल ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में पूरा किया और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैंने वो जो लाइन बनाई है, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, कि कोई भी आगे आए और इस सीट को संभाले, ताकि एग्जाम्पल मुझे देना था
कि ये सीट जो है वो परमानेंट सीट किसी के नहीं है, हर आदमी को यहाँ पर आना चाहिए, अपनी काबिलियत जो है उसको दिखानी चाहिए। मगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे यूथ विंग हो, लेडीज विंग हो, हमारी स्पोर्ट्स विंग हो, उन्होंने इसरार किया कि नहीं, अभी आपको फिर आपको इसी सीट पर बैठना है। और बहुत इसरार के बाद यूसुफ अगरानी साहब ने एक मीटिंग रखी इस्लाम जिम खाना में, वहाँ सब लोगों ने, वहाँ लोग जमा हुए, 350 जमातों के लेटर मुझे आ गए कि आपको इलेक्शन के लिए खड़ा होना है। कल नामजदगी का आखिरी दिन है, हमारे सोहेल भाई धनवानी जो है वो कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है। आप लोगों से गुजारिश है कि लंच के बाद अभी तमामी लोग मुझे दुआओं में साथ रखेंगे, मेरा साथ देंगे, और बाजू में खाना खाने के बाद इंशाअल्लाह ये बाजू में ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन की ऑफिस में हम जाएंगे, वहाँ भी बैठने का इंतज़ाम है, और वहाँ पर पर्चा नामजदगी हमारे इलेक्शन कमिश्नर को हम तमाम लोग मिल करके सौंपेंगे। और आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझसे खैर का काम ले लेवे, इंसाफ का काम ले लेवे, और इंसानियत, ये मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ मेमन बरादरी, हमने नॉन मेमन बरादरी के लिए भी काम किया है, मुस्लिम बरादरी और नॉन मुस्लिम बरादरी के लिए भी काम किया है, हमसे अल्लाह ताला नेक काम ले लेवे, इंसाफ से हमारे से काम लेवे, और जो लेने वाला है उसको देने वाला अल्लाह ताला बना दे, और हमारे अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद हमारे में कायम रखे। मैं एक ही शेर छोटा सा कह करके इजाज़त चाहूँगा, और आगे मैं हमारे यूथ के चेयरमैन इमरान फ्रूट वाले से गुजारिश करूँगा कि वो आगे की कार्रवाई बढ़ाएं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। एक और मैं हमेशा दुआई कलमात कहता हूँ कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने हयात क्या है उसे कदम कदम पे, माफ करना, कदम कदम पे, कि हमारे सब मुंबई है, हमारी फरीदा आपा और वो याद दिला दिया मुझे, शुक्रिया। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों के लिए, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं हमारे सूफी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तमाम यहाँ बॉडी मेंबर जितने आए हैं, हमारे बोहरी समाज के नुमाइंदे सैयदना के आए हुए हैं, यहाँ पर जैन समाज के नुमाइंदे आए हुए हैं, बैंक के अफराद आए हुए हैं, पुलिस के लोग, आज स्पेशल मीटिंग हो गई सीपी साहब की, उनका मैसेज आया है कि मैं 12:30 और 1 बजे के दरमियान यहाँ पर पहुँचूँगा। रफ्ता रफ्ता सारे लोग मेहमान जो हैं वो आ रहे हैं। किसी को अगर कुछ दुश्वारी हुई है, गर्मी का मौसम है, और गर्मी ये मत समझिए कि आप आज ऊपर की गर्मी है, आज शिद्दत की गर्मी है, मेमन डाइट मेमन डे का जो गर्मी और वलवला है आज, उसकी गर्मी यहाँ पर है, सब लोगों के दिल के अंदर जो जज्बा है उसकी गर्मी है। मैं यही कहते हुए इजाज़त चाहूँगा, आगे की कार्रवाई हमारे इमरान फ्रूट वाले को सौंपता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड पेमेंट डे जिस हिसाब से चल रहा है और जिस हिसाब से लोगों की खिदमत हो रही है, दैट्स रिमार्केबल। मैं वेलकम भी करना चाहूंगा हमारे साल कॉम्बे के कॉर्पोरेटर आफरीन शेख का, वेलकम। और इसके आगे, यस करेक्ट, 4 साल हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर को पूरे हो रहे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, और अब वो तो आगे नहीं आ रहे थे, वो कह रहे थे कि कोई और आगे आओ और ये पोस्ट संभालो, लेकिन हर किसी ने यही चाहा कि वही ये पोस्ट पे बैठे और ये काम आगे चलता रहे, बिकॉज इन्होंने जो काम किया है, जिस हिसाब से इन्होंने लोगों को आगे बढ़ाया, सब तो इनफैक्ट मैं ये बताऊंगा, यूथ को भी, इवन यूथ ऑल्सो वर्किंग प्लेटफॉर्म, हमारे को भी कुछ करना था हमारी कम्युनिटी के लिए, बट देयर वाज नो प्लेटफॉर्म, इन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया में यूथ जुड़े हुए हैं, और कुछ इंटरनेशनल यूथ भी इंस्पायर है जिनको हमने एडवाइजरी पैनल में यूथ विंग के लिए, सो दिस इज ऑल्सो लाइक समथिंग रिमार्केबल। लेडीज को आगे लाया, डिजास्टर विंग, ऑल विंग्स आर डूइंग ग्रेट जॉब अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज उनका नॉमिनेशन फाइलिंग है आफ्टर लंच। अब ये हमारा फर्ज है कि ये कौन के लिए इतनी खिदमत करे, अब ये हमारा फर्ज है कि इनका सपोर्ट करें और इनके साथ हम जाएं।
हमारे इलेक्शन कमिश्नर सोहेल भाई खनवानी के हाथ में होंगे और इनके साथ जाए, तो होप एवरीवन विल जॉइन अस आफ्टर लंच ऑल्सो। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा एहसान भाई गदावाला को, ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया वेमन जमात फेडरेशन एंड ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड वेमन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया चैप्टर, सो प्लीज कम ऑन द डायस। सबसे पहला तो बधाई के मेमंडे जी खास खास मुबारकबाद, અને વાત વાર કરું કે મેમણે જે અંદર એકતા રહીને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અને ડી બાય ડી પાણી કોશિશ આ આવતો હંમેશા અકડિત ચીત લે કરીને મેમણ ડે મેં ઇકબાલમાં આઈ કે ભી હંમેશા અકડિત ગાલ રહેતો કે મેમણે કે એજ્યુકેશન જો જે મથે માને મેક્સિમમ ધ્યાન દીનું હમ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આઈ ગો હૈદરાબાદ મેં રિક્વેસ્ટ કરું મેમણ ડે લે લી કો એજ્યુકેશનલ એડા પ્રોગ્રામ પા કરું જી પૈસા જો હંમેશા સાથ આય જ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પણ એજ્યુકેશન ये इलावा माने इवन कुरान शरीफ की जो पहली आयत है इनके भी अगर अमल करी गिंदा सी अगर इल्म हासिल करी गिंदा सी ना था मेमन के मुस्लिम के कोई भी समाज अगे अची विनो एतरे बिजी कोशिश आए काज अकड़ो कम से कम आए बदे के एहद गिनायो कि अचन वाला बच्चे के थी पोते जे बच्चे के खास पढ़ाई ना दीनी अने दुनियावी कोई तालीम गिनो ई पानी हुआ बाकी है बदे के मेमन जी मुबारकबाद अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज डब्ल्यू एम ओ भी घनी जगह मेमन डे जा प्रोग्राम करी आए प्लस अगर भी घनी जगह बिया भी बोचाटी के अंदर बिया भी घना मेमन डे जा प्रोग्राम थी रहा है तो मां बदे जी भेगी कोशिश रही है कि खैर जे कम में हमेशा भेगा रही अने हमेशा हमेशा जो सारो कम आए इनके अंदर बदे जो साथ दियो। अस्सलाम वालेकुम। Now I would like to call our special guest of the event मेमुना भाई दरवेश को स्पेशली केम फ्रॉम दुबई टू अटेंड द प्रोग्राम। शी इज आल्सो लेडीज विंग चेयरमैन ऑफ डब्ल्यूएमओ मिडिल ईस्ट चैप्टर। मेमुना भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज्यादा तो मैं इकबाल भाई का शुक्र अदा करूंगी। तो लिल्ला दुबई में भी 27 अप्रैल को मनाया जाएगा और आज शायद साउथ अफ्रीका में भी है और दूसरी जगह को पर भी डब्ल्यूएमओ ने किया है और अल्लाह इकबाल भाई को भी इनका अजर दे और जितने आए हैं लोग उनको सबको अल्लाह ताला आगे बढ़ाए मेहनत करने के लिए और अल्लाह इसको अजर दे इकबाल भाई को लग भी ऊपर दे दे और इनसे काफ़ी सीखने मिला लोगों को। बस सबका शुक्र अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच अल्लाह। एवरीवन आई वांट टू वेलकम देवेंद्र भाई जी, ही इज अ जैन समाज गुरु, सो वेलकम एंड आल्सो निजामुद्दीन रहीम साहब हैज जॉइंड अस, सो वेलकम एवरीवन। भाई लोखंडवाला सोसाइटी एंड आल्सो ही डोंट नीड एन इंट्रोडक्शन, आई लव दिल्ला, एवरीवन नोज हिम एंड जहन्नमा आज की इस वर्ल्ड मेमन डे के रूए रवा वर्ल्ड मेमन ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर डॉक्टर है। अब ऐसा है कि ऑफिसर हम बोलते हैं घर में तो बच्चा घबरा जाता है, तो मैंने सोचा कि इकबाल भाई का नाम ऑफिसर हटाकर डॉक्टर रख दे दे। मेरे दोस्त जनाब इकबाल ऑफिसर मेमन, उनके तमाम दीगर रुफकाए कान फारूक सूफी साहब, अफजल पाटका साहब, एहसान भाई गाडावाला जो मुझको अपनी प्रोग्राम में याद नहीं करते हैं भूल जाते हैं, आप तमाम मौजूद सामाईन अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकबाल भाई जो जिस गर्म जोशी से जिस तंदही से
जिस जाफरशानी से, जिस वलवले से, जिस जोश और खरोश से ये मेमन जमात का काम, ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन जमात का काम संभाले हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको नजर बसर बचाए। आज ऐसा है कि बच्चा अगर खूबसूरत है तो मां की नजर भी बच्चे को लगती है, तो ये समझ लो कि इनकी मेहनत, इनकी मशक्कत, इनकी ईमानदारी, इनकी दयानतदारी, इनका जोश, इनका वलवला, ये भी नजर के काबिल है, आपको भी नजर लग सकती है। इसलिए जब हमारा कोई भाई ऐसी तनदही से काम करे, ऐसे जोश और खरोश से काम करे, तो तीन मरतबा माशाल्लाह लाखों होता है, लाबिल्ला पढ़ तो नजर से महफूज हो जाएगा। और इकबाल भाई, पहले भी मैंने इशारा किया था, आपने ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन तो लिखा है, आगे कहीं हलाई मेमन जमात लिखा हुआ है, और मैंने नहीं लिखा है, लेकिन लेकिन इशारा कुछ ऐसा लग रहा है कोई यहाँ के कुछ गैदरिंग से, इस यहाँ के कुछ हुजूम से ऐसा लग रहा है कि कच्ची मेमन माइनस है। तो मैं उनसे कहूंगा, अगर आपने ईमानदारी दयानतदारी से उनको दावत दी है, तो यह हमारा फर्ज बनता है कि उन दावतों में हम जाएं। और मेमन, चाहे वो हलाई मेमन हो किसी भी गुजरात के किसी भी हिस्से का, और मैं तो पक्का कच्ची हूं फारूक साहब, मैं अंजार का हूं, मैं खेड़े का हूं, और मैंने 7 दिन पूरा कच्छ घूम कर आया, और जो अल्हम्दुलिल्लाह इस बरादरी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिदमत का जज्बा अता फरमाया, वो सिर्फ इकबाल ऑफिसर की शक्ल में आप देख सकते। और एक बात मुझको बहुत और पसंद आई, आपका जो दावतनामा आया था उसमें कहा कि हम सिर्फ मेमनों में इत्तेफाक नहीं चाह रहे, बल्कि हम इस रूए जमीन पर इंसानियत की बुनियाद पर सब में इत्तेफाक होते हैं चाह रहे। इसलिए आज हमारे जैन मजहब के लोग हैं, हमारे दीनर मजाहब के लोग हैं जो यहां हाजिर हुए हैं, इसलिए वो जानते हैं कि इकबाल ऑफिसर मेमन जो है वो इंसानियत की बुनियाद पर दावत दे रहा है। आज ये 4th साल है, और एक बात इनकी मुझको बहुत अच्छी पसंद आई, ये मेरे साथ 2 ट्रस्टों में, मेरे साथ कैंसर ट्रस्ट में, कैंसर ट्रस्ट का भी वो उतना ही ख्याल रखते हैं जितना वो ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन का जमात, वो मेरे साथ इंडो अरब में मेंबर भी है जहां मैं चेयरमैन हूं। और एक बात बहुत पसंद आई, जो हमारी कौम में फारूक साहब नहीं है, हमारे वहां जो कुर्सी पे आता है तो वो इतना कुर्सी में लगकर रहना चाहता है, दूसरे को मौका नहीं देता, वो चाह रहे हैं कि मेरी जिंदगी है, मैं जब तक मेरे जिसमें ताकत है, मेरे पास वसाइल है, मैं खिदमत करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 2nd रैंक 3rd रैंक तैयार करूं। और इन्होंने नौजवानों को भी तैयार किया है, इसलिए ऐसी सोच रखने वाले शख्स की को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं चाहता हूं कि हर मुसलमान बिना मजहब जात पात के उसमें यह सोच आए कि हम 2nd रैंक और 3rd रैंक बनाए, नहीं तो क्या होता है, आदमी खुद काम करके चला गया, पता चला कि दूसरी सब में कोई है नहीं। बहरहाल आज ये भी खुशी का दिन है कि 500 जमातें हैं मेमनों की, और आज के इस मुबारक दिन में इंसानी फलाह व बहबूदी के, इंसान के दुख के आंसुओं को पोंछने के लिए, उसकी तकलीफ दूर करने के लिए, उसको राहत पहुंचाने के लिए आज काम हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जमीन पर मेरे बंदे को राहत पहुंचाओ, मैं तुमको राहत पहुंचाऊंगा, तुम मेरे बंदों की फिक्र करो, मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा, तुम मेरे बंदे को एजाज दो, मैं तुमको एजाज दूंगा। इसलिए आज इकबाल ऑफिसर और उनके साथ जो लोग बिलवास्ता या बिला वास्ता तामे दरमे सुखने कदमे जिस तरह से जुड़े हुए हैं, वो भी वाकई काबिल-ए-सद्द मुबारकबाद हैं।
मैं आखिर में अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ऐसे मुखलिस लोग अल्लाह कौम में और पैदा करे, ताकि मैंने ईमानदारी दयानतदारी से बेलोस होकर खिदमत खल का जज्बा होता रहे और खिदमत खल होती रहे। इस तकरीर इस बात पर अपनी तकरीर को खत्म करूंगा और बड़ी माजरत के साथ मुझको दिगर तकारी सुनने का सुनना चाहिए, लेकिन अंजुमन इस्लाम ब्लेसिंग्स रोड पे वहां सऊदी गवर्नमेंट का एम्बेसडर आया हुआ है और उसके हाथों से वो हॉल का इनॉग्रेशन है, उसका इफ्तिताह है। मुझको जहीर काजी ने भी कहा, डॉक्टर जहीर काजी जो प्रेसिडेंट है, कहा मेरी जानिब से इकबाल भाई से माजरत चाह लो कि मैं हाजिर नहीं हो सकूंगा क्योंकि वहां एक प्रोग्राम चल रहा है, मुझको यहां से निकलकर वहां हाजिरी देनी है, इसलिए मैं वक्त से पहले यहां से बाहर निकलने पर आपका दिल की गहराई में से माजरत खा हूं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। उनको भी कहीं लोकसभा से इलेक्शन लड़ा दो भाई, ये तो बहुत मामूली दिख रहा है समझे। हाँ, ये उनको भी कहीं लोकसभा का इलेक्शन लड़ा दो और 3 बजे फॉर्म भर रहे हैं। सोहेल खंडवानी इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर है, किसी वक्त में अमीर खंडवानी साहब जब खंडवानी जमात का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर था। खैर ठीक है, वो सोहेल खंडवानी है, मैं सोहेल लोखंड वाला हूँ, हम दोनों बराबर है। इस बात पर अपनी तकलीफ को खत्म करता हूँ। 3 बजे वापस दोबारा हाजिर होने का वादा करता हूँ और डॉक्टर मरियम भिंडोरा ने जो आज प्रोग्राम रखा है वो भी इंसानी फलाह व बहबूदी का है, गरीब को किस को राहत पहुंचाने का है, किसी की तकलीफ को दूर करना है। अल्लाह तुम्हारे इस जज्बे को कबूल करे और हम सब के साथ आफियत और खैर के मामले फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। आप सभी को वर्ल्ड वुमेन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार भाई साहब मेहमान साहब को बहुत बधाई देता हूँ कि आज हमने इतना जो पूरे देश और पूरी दुनिया में एक परोपकार का जो काम चल रहा है, निश्चित ही इंसानियत और मोहब्बत बांटने का काम तो दुनिया करती है, पर लोगों की सेवा और लोगों की सेहत का ध्यान रखने वाला अगर कोई है तो वर्ल्ड वुमेन डे कर रहा है, इसीलिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ। कहते हैं दुनिया में जब प्रेम जोड़ता है इसीलिए प्रेम की ताकत दिन दूनी रात चुननी पड़ती है, और नफरत हमेशा तोड़ती है, इसीलिए दिन पर दिन वो ताकत घटती जाती है। इसीलिए आज हमारे बिलेन दोड़ा साहब भी पधारे हुए हैं, जो समाज सेवा में और राजनीतिक में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देते हूँ आगामी कार्यक्रम के लिए उनके लिए। और हमारे मैं यही शुभकामना देते हूँ कि जिस तरह से वर्ल्ड वुमेन डे काम कर रहा है, यही शुभकामना है। और इकबाल साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इकबाल साहब आप जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है आपके हिसाब से, और मैं भी आपकी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि मैं जो भी आप कार्य कर रहे हैं अगर मेरा सहयोग उसमें लगता है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि मेरा इसमें कार्य कुछ सौभाग्य हुआ है। हमारे मिलन दोड़ा साहब भी आएंगे और बड़ी ही इतने सहज और सरल जो है कि उनके बारे में जितना कहूँ कम है, और चुनाव भी लड़ रहे हैं इस समय वो, और चुनाव का पूरे देश में माहौल है, और लोकसभा का चुनाव का आज पहला चरण की वोटिंग हो रही है और ये हमारा वर्ल्ड वुमेन डे भी चल रहा है। मैं शुभकामना देती हूँ, चिंता मत करिए, हम शुभकामना दे रहे हैं, कोई राजनीतिक विचार मंच में नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद। मैं बहुत ही कम शब्दों में यहाँ उपस्थित हमारे पूरी नमन जमात के सभी मेंबर्स का मैं वर्ल्ड वुमेन डे का हार्दिक शुभकामनाएं हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे सुफी साहब यहाँ मौजूद है, नासिर भाई मौजूद है, अमीर भाई मौजूद है, सोहेल खंडवानी जी, और हमारे जो इस हलके के केवल नमन कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि पूरी हलके के लिए जो वैन जी करते आ रहे हैं, हमारे एक बार नमन साहब, एक बार ऑफिसर साहब, व्यापारियों के लिए भी बहुत ही
हमेशा आवाज उठाते हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत और एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूं, और मैं मानता हूं कि आज हमारे मुंबई शहर को हमारे देश की आर्थिक, देश की सामाजिक और देश के सांस्कृतिक राजधानी बनाने, मैं यही कहूंगा कि मेमन कम्युनिटी का बहुत ही भारी, बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रह चुका है। इसके लिए मैं आप सबका, हर मुंबईकरों की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और एक बार आपको शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहूंगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय मां। ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल अफजल मेमन साहब, वर्ल्ड मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट एहसान गढ़ावाला साहब, इकबाल भाई, सोहेल खंडवानी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के, और वर्ल्ड मेमन फेडरेशन के हमारे बहुत ही हरदिल अधीर सूबी साहब, पाटकर साहब, हमारे डॉक्टर होली साहब, कुंदन ब्यास साहब, और सभी हमारी बहन आफरीन आपा कॉर्पोरेटर, जावी जुनेजा कॉर्पोरेटर, और सभी आज वर्ल्ड मेमन डे के दिन पर यहाँ पर मौजूद, पूरी दुनिया से आए हुए हमारे मेमन बिरादरी के भाई और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया आज मेमन डे मना रही है, और इसकी शुरुआत हमारे इकबाल ऑफिसर मेमन साहब ने, और आज कुछ ही साल के अंदर ये एक फेस्टिवल हो गया है, एक त्यौहार हो गया है। जिस तरह से हम लोग ईद मनाते हैं, उसी तरह से आज मेमन डे का सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में होता है। आज इस दिन के मौके पर हम सब उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेमन कम्युनिटी के लोग कितने दयावान हैं, और अच्छे कॉज के लिए, अल्लाह की राह में सवाब जारिया के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, और आज भी मेमन बिरादरी का वो काम जारी है। और सिर्फ मेमन बिरादरी के लिए तक सीमित नहीं है, ये काम पूरी उम्मत के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरी कायनात के लिए है। और उसको पूरा यकीन है कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो नींव रखी थी खिदमत की, खिदमत खल की, उस काम को मेमन बिरादरी के लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से एक बार पूरी दुनिया के मेमन भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मेमन डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खुदा इकबाल भाई, खटवानी साहब, गढ़ावाला साहब, आफ्ताब भाई, दूसरे हमारे सभी मेमन कम्युनिटी के बुजुर्ग भाइयों और बहनों, सभी लोगों को मैं आज के इस दिन की मुबारकबाद देता हूं। इकबाल भाई की सोच और उनका कंसेप्ट न सिर्फ मुंबई बल्कि हिंदुस्तान भर के मेमन और दुनिया भर में बसने वाले सभी मेमन के दिल में उन्होंने मेमन डे की एक नई नींव डाल दी। जैसे लोग अलग अलग डे मनाते हैं, इकबाल भाई ने इस पर एक सीरियस तरीके से ऐसा एक फंक्शन तैयार कर दिया, एक ऐसा दिन तैयार कर दिया जो मेमन कम्युनिटी के लिए पूरी दुनिया में याद किया जाने वाला दिन। दोस्तों, आपने अभी मिलिंद भाई की स्पीच सुनी, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुंबई शहर में मेमन कम्युनिटी का व्यापार में। दोस्तों, न सिर्फ व्यापार में बल्कि मेमन कम्युनिटी का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो इस देश की आजादी में है। इस मुल्क की आजादी में मेमन कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, और उनके बुजुर्गों ने जिस तरह से सबसे ज्यादा पैसा इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा चेक देने वाले हमारे मेमन बिरादरी के लोग रहे, वो सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि इस देश की तरक्की में हर तरह से मेमन कम्युनिटी खड़ी रही। ये पिछले 4-5 साल से इकबाल भाई हमारे चेयरमैन है, जब से वो चेयरमैन है मैं शुरू से उनके साथ, जब ये स्टार्ट हुआ था, जब मेमन डे भी नहीं स्टार्ट हुआ था, शुरू से मैं इकबाल भाई के साथ। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए जो मैगजीन शुरू की उससे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के गांव खेड़े में छोटी छोटी जगहों पर भी लोगों को जोड़ा, और उससे न सिर्फ जोड़ा बल्कि इस बात का एहसास कराया कि जो 500-600 जमातें हिंदुस्तान में मेमन कम्युनिटी की काम करती हैं, आज कहीं भी आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पे तो आपको हर इलाके के काम के बारे में भी मिल जाएगा। मैं समझता हूं इस उम्र में जब आदमी बेहतरीन तरीके से चाहता है
जगह पर हो और मैं बाकी की जिंदगी निकालूं। उस उम्र में इकबाल भाई को आप 2 बजे रात तक उनका आखिरी मैसेज टिक 2 कलर में देख सकते हो। 2 बजे रात तक वो सिर्फ यही एक काम करते हैं कि मेरी कौम के जो फिक्र है, मेरे कौम की तरक्की के लिए, मेरी कौम के एजुकेशन के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनके घर बनाने के लिए, क्योंकि यही एक कम्युनिटी है जिसने सबसे पहले अपने गरीब साथियों के लिए घर बनाने का काम किया। मैं इनके बुजुर्गों को सलाम करता हूं कि आज यहां जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के मायानाज शख्सियतें हैं। ये इस कौम की ही नहीं बल्कि इस मुल्क में बसने वाले तमाम मुसलमानों की इज्जत और आबरू की ये गवाही है कि ऐसी शख्सियतें यहां पैदा हुई जो न सिर्फ बल्कि हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर मेमन कम्युनिटी के बदौलत इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों को भी तरक्की का काम दिया। और मेमन कम्युनिटी का इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि जो अभी काम शुरू हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेमन के लिए नहीं है। उन्होंने जो अपना ट्रस्ट बनाया, उसमें जो उन्होंने गवर्नमेंट से एटीजी हासिल किया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम दूसरी कम्युनिटीज को मदद करेंगे और इकबाल भाई के नेतृत्व में दूसरी कम्युनिटीज को भी मदद हो रहा है। उसके अलावा भी इनके बुजुर्गों का जो रोल है वो कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने सभा में जारिया का ऐसा काम हिंदुस्तान में कर रखा है कि कयामत के दिनों तक आप अपने बुजुर्गों के बदौलत भी अपनी कौम और इस मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। आज जितनी माशाल्लाह दरगाहें हैं सब पर आपके बुजुर्गों का कहीं ना कहीं बड़ा रोल है। कॉलेजेस में उस जमाने में जब एजुकेशन के लिए कोई सोच नहीं सकता था, तब मुंबई शहर में बड़े से बड़ा कॉलेजेस, सैकड़ों की तादाद में ऐसे खूबसूरत और हसीन मस्जिदें जहां आप जाकर इबादत करते हैं, तो ये सारी वो चीज है जो आपके बुजुर्गों ने किया। आप चाहे जितनी बातें लोग कर ले, अगर कोई विरोध करता है तो ये समझो कि आपकी ताकत 4 गुना बढ़ रही है, क्योंकि विरोध उसी का होता है जो कुछ करता है। जो कुछ करता ही नहीं उसका विरोध क्या, तो निकम्मा ही है। उसका एक ही काम रहता है कब खोजो किसी को कुछ कह दो। तो मैं चाहता हूं कि जो साथी ये सोचते हो कि उनका कोई विरोध करता है, तो आपको ज्यादा खुश होना चाहिए कि आपके काम की पकड़ है, आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। और खास करके हमारी जो बहनें हैं, हमारी माँ की उम्र की है, इस उम्र में जिस तरह से वो ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगकर काम कर रही हैं, उन्हें भी मैं सलाम करता हूं कि इस उम्र में लोग बैठ जाते हैं घरों में, लेकिन आप अपनी कौम और इस मुंबई शहर की तरक्की के लिए काम करते हैं। मैं आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हमें आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई फॉर्म भरिए, सारे लोग आपके साथ हैं। जैसे लंबी उम्र तक आपको आगे चलना है और आपको अभी बात कर रहे थे कोई भी आपको एमपी लड़ाना है, इस देश के सारे एमपी आपके पीछे घूम रहे हैं, आपको क्या फिक्र करने की जरूरत है।